हेलो टू एवरीवन, दिस इज अक्षय चौधरी एंड वेलकम टू आवर फिटनेस यूट्यूब चैनल गेट फिट। जिस दिन मंडे आता है उस दिन हम चेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे हम बैक लगाते हैं, उसके नेक्स्ट डे हम शोल्डर्स लगाते हैं, फिर लेग्स, फिर आर्म्स, इस तरीके से। या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वर्कआउट को स्प्लिट करते हैं अलग अलग रूटीन्स में। इसमें से ही कोई एक रूटीन आप भी फॉलो करते होंगे। तो कौन सा सबसे अच्छा है, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और स्वागत है आपका हमारे फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रिट फिट। सबसे पहले बात करूंगा मैं सबसे पॉपुलर जो होता है, अलग अलग डेज पर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे को नॉर्मली सबको पता है कि चेस्ट लगाते हैं, मेजोरिटी जो होती है वो चेस्ट लगाती है। नेक्स्ट ट्यूजडे को हम बैक लगाते हैं, उसके बाद शोल्डर्स, लेग्स, एक दिन पर फिर आर्म्स को अलग से ट्रेन करते हैं जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को हम ट्रेन करते हैं। एक तरीका ये हो गया, जो आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को भी फॉलो करते हुए देखा होगा वहीं से बेसिकली ये चीज़ें आई हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप चेस्ट लगाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप कर दें कि आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स ट्रेन ना हो, क्योंकि तीनों मसल्स कनेक्टेड है। आपकी तीनों मसल्स चलेंगी ही चलेंगी, बेशक आपकी मूवमेंट्स में प्राइमरी मसल चेस्ट हो सकती है बट चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स और शोल्डर्स चलते ही चलते हैं। वैसे ही जब भी आप बैक करेंगे तो फोरआर्म्स और आपके बाइसेप्स इंक्लूड हो ही जाते हैं उन सारी एक्सरसाइज में जो बैक के लिए होती हैं। बेशक फिर से आपकी बैक ही प्राइमरी मसल रहेगी बट दोनों मसल्स उसके साथ साथ इन्वॉल्व होती ही हैं एक्सरसाइज के। तो अगर आप इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं कि आपने मंडे को चेस्ट किया है तो आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स भी साथ के साथ ट्रेन हुए हैं। अब आप नेक्स्ट डे बैक कर रहे हैं और उसके बाद फिर से शोल्डर्स कर रहे हैं जो कि आपके मंडे को भी हुए थे और शायद वो इतने अच्छे से रिकवर भी ना हुए हों, फिर आपने एक दिन छोड़कर वेडनेसडे को फिर से शोल्डर्स ट्रेन किए और उसके बाद हम अपनी आर्म्स ट्रेन करते हैं। आर्म्स में बाइसेप्स आते हैं, बाइसेप्स भी हमारे बैक के वर्कआउट में ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। अब आप इनको अलग से ट्रेन कर सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स बहुत बड़ी मसल्स नहीं है। बड़ी मसल्स हमारी कौन सी है, चेस्ट, बैक, लेग्स। तो इनको तो आप कर रहे हो एक तरीके से एक एक बार। अब जिस दिन आपने किया चेस्ट उस दिन भी आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ट्रेन हुए, फिर आपने एक दिन अलग से शोल्डर्स को दिया, फिर एक दिन अलग से ट्राइसेप्स को भी दिया, तो बेसिकली आपने ट्राइसेप्स दो बार ट्रेन कर लिए और शोल्डर्स भी दो बार ट्रेन कर लिए और जो बड़ी मसल है चेस्ट वो एक ही बार ट्रेन हुई। ऐसे ही बैक के साथ, बैक आपकी एक बार ट्रेन होगी और आपके बाइसेप्स दो बार ट्रेन होंगे अगर इस तरीके का आप रूटीन फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो एक ये है कि आपको एक भी दिन का बीच में रेस्ट नहीं है, रिकवरी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर आप नेचुरल जा रहे हैं और आप कोई एथलीट नहीं है, आप इसी काम को नहीं करते, आप अलग से जॉब भी करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो आपको बीच में रिकवरी के लिए कोई भी दिन फ्री नहीं मिल रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी मैंने बोला है, इसमें हमारी छोटी मसल्स दो बार ट्रेन हो रही हैं और जो बड़ी मसल्स हैं वो सिर्फ एक बार ट्रेन हो पा रही है, तो इसीलिए ये वाला वर्कआउट रूटीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगता। अब दूसरे तरीके का वर्कआउट आता है। दूसरे तरीके का वर्कआउट क्या होता है, हम क्या करते हैं, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को इंक्लूड करते हैं, बैक के साथ बाइसेप्स को इंक्लूड करते हैं और लेग्स अलग से ट्रेन करते हैं। ये पहले वाले वर्कआउट से ज़्यादा अच्छा है बट इसमें भी हम शोल्डर्स को फिर एक अलग दिन देते हैं, वो चेस्ट के साथ भी ट्रेन हुए होंगे और एक अलग दिन में भी ट्रेन हो रहे हैं, तो आपके शोल्डर्स इस वाले वर्कआउट में भी दो बार ट्रेन हो रहे हैं। बट ये वाला वर्कआउट रूटीन पहले वाले वर्कआउट रूटीन से अच्छा है क्योंकि हम चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर रहे हैं, क्योंकि चेस्ट के साथ ऑलरेडी ट्राइसेप्स चलते ही चलते हैं तो उसके ही साथ हमने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर लिया। ऐसे ही बैक के साथ बाइसेप्स भी चलते हैं तो हमने बैक के साथ बाइसेप्स भी ट्रेन कर लिया, बट शोल्डर्स को हम अलग से डालते हैं इस वाले वर्कआउट में। बट अगर आप शोल्डर्स को भी चेस्ट के साथ डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप का वर्कआउट है उसमें हम इसी तरीके से ट्रेन करते हैं, पुश पुल लेग्स। पुश में क्या आता है, पुश में हमारी सारी मसल्स वो आती हैं जो हमें पुश करने में हेल्प करती है, और वो कौन कौन सी मसल्स हैं, चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स। वहीं पुल वाली मसल्स कौन सी हैं, बैक, बाइसेप्स और उसी में हमारे फोरआर्म्स भी आते हैं, और लेग्स को हम अलग से ट्रेन करते हैं और बीच में एक एक दिन का रेस्ट भी रखते हैं, तो जिससे कि हमारी रिकवरी भी अच्छी हो पाती है और हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर हम पुश पुल लेग्स की तरफ जाते हैं। अब इसमें हमारी सारी मसल्स एक एक बार ट्रेन हो रही है
और हमें बीच में एक एक दिन का रेस्ट भी मिल पा रहा है, जिससे कि हम अच्छे से रिकवर भी हो पाए। जो वो वाला वर्कआउट रूटीन था कि जिसमें चेस्ट अलग से कर रहे हैं हम, ट्राइसेप्स अलग से, बाइसेप्स अलग से, तो वो उनको ज़्यादा सूट करता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। उनके पास रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट होते हैं, अलग से स्टेरॉइड्स भी होते हैं, और उनको सिर्फ यही काम होता है कि वो सिर्फ वो वर्कआउट करेंगे और उसके बाद प्रॉपर उनके पास दिन होगा रेस्ट के लिए, जिससे कि उनकी मसल्स रिकवर हो जाए। वो हफ्ते में अपनी एक मसल को दो बार भी ट्रेन करेंगे तो उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके पास रिकवरी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो कि ज़रूरी है, जैसे कि रेस्ट। वर्कआउट के बाद उनके पास पूरा दिन फ्री होगा, क्योंकि उनका मेन काम ही ये है, तो उनके पास फ्री होगा जिससे कि वो रेस्ट ले पाएँ। उनके पास सारे सप्लीमेंट्स होंगे, उनके पास कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स भी होंगे, अगर कोई बहुत अच्छे लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहा है तो उनके पास वो स्टेरॉइड्स भी होंगे जिससे बॉडी रिकवर कर पाए। बट आप अगर नेचुरल हो और आपका प्रोफेशन ये नहीं है, आप और भी सारे काम करते हो, तो आपको रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसा वर्कआउट रूटीन चूज़ करना चाहिए जो कि आपको हेल्प करे रिकवर करने में भी, और जिस दिन आप अगर कर रहे हो उस वर्कआउट को तो आपकी मसल्स को टियर भी अच्छे से करा पाए। पुश पुल लेग्स इस तरीके का वर्कआउट है जो कि आपको बीच में दिन देगा रिकवरी के लिए भी, और वर्कआउट अगर कोई सा भी हो, आप अगर एक्सरसाइजेज अच्छे से करते हैं तो आपकी मसल्स भी टियर अच्छे से होंगी। और लास्ट तरीके का वर्कआउट आता है, हम तीन दिन करते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट, फिर हम बीच में रेस्ट लेते हैं ट्यूसडे का, वेडनेसडे को फुल बॉडी वर्कआउट, और फिर फ्राइडे को फुल बॉडी वर्कआउट। ये भी एक अच्छा वर्कआउट हो सकता है अगर आपका बिजी स्केड्यूल है और आपके पास रिकवरी के लिए टाइम कम होता है, तो आप इस तरीके का वर्कआउट भी चूज कर सकते हैं। इस टाइप के वर्कआउट से भी, उन सारे वर्कआउट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मेन चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वर्कआउट में, जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन की इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपके मसल फाइबर्स अच्छे से टियर हों और आपको अच्छा रिजल्ट दिख पाए। आपको एक्सरसाइजेस की क्वालिटी पर ध्यान देना है और उसकी इंटेंसिटी पर ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी पर इतना ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी इंटेंसिटी अच्छी है तो फ्रीक्वेंसी कम भी है, आप कम बार भी हफ्ते में कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बट आपकी अगर इंटेंसिटी कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पूरे हफ्ते कर रहे हो, इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो ये था वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, किस तरीके का रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं, आप इसी फील्ड के अंदर कोई कंपटीशन या बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं और आप अलग कोई काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप और कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपको हफ्ते में तीन दिन अच्छी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना चाहिए, लाइक पुश पुल लेग्स। बीच में अगर आप जाते भी हैं तो लाइट कार्डियो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिकवरी भी होगी और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होंगी, और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे जब आपकी अच्छी रिकवरी होगी। और जब आपकी रिकवरी अच्छी होगी तो जिस दिन आप वर्कआउट करेंगे उस दिन आप अच्छी इंटेंसिटी के साथ भी वर्कआउट कर पाएंगे, और वहीं आपकी अगर रिकवरी ही नहीं हो रही तो आपकी इंटेंसिटी भी अपने आप कम होती चली जाएगी, जिससे कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखते हैं। तो पुश पुल लेग या फिर हफ्ते में तीन दिन फुल बॉडी वर्कआउट में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। बीच में आप लाइट कार्डियो रख सकते हैं या फिर अपनी अलग मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, लाइक एब्स ट्रेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी डिमांड नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप शायद आप समझ पाएंगे हमें कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।